कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी केरल के अलापुझा में स्नेक बोट रेस प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी की चर्चा वडकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय के साथ मिलने को लेकर भी हो रही है और बोट रेसिंग को लेकर भी हो रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो को देखकर आप भी कह सकते हैं कि बीजेपी की सोच से कहीं बहुत आगे कांग्रेस अब निकल चुकी है। राहुल गांधी ने केरल के पुन्ना मदा झील में स्नेक बोट यानी कि सांप नौका दौड़ प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत अन्य प्रतिभागियों ने साथ में नाव चला रहे हैं और राहुल गांधी भी नौकायान कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के चेरिया कालापुर में स्थानीय नाविकों के साथ राहुल गांधी नाव चलाते नजर आए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा राहुल गांधी के बारे में वोट रेस में हिस्सा लेने को लेकर कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन की शुरुआत करने से पहले सुबह में वडकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की थी। इस दौरान ईंधन के बढ़ते कीमतों, सब्सिडी में कटौती, कम होते मत्स्य भंडार और पर्यावरण को हो रहे नुकसान सहित कन अन्य विभिन्न चुनौतियों पर भी उन्होंने मछुआरे के साथ चर्चा की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस की यह पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी 12 राज्यों से गुजरकर 3,570 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाले हैं। यह यात्रा 5 महीने तक चलेगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण की समस्याओं और विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में ये रैली, ये पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि केरल में जो नौका यात्रा हो रही है, उस नौका यात्रा की खासियत क्या है। केरल के कोची शहर से 80 किलोमीटर दूर बसा अलेप्पो खूबसूरती के लिए तो अपने आप में अलग पहचान रखता ही है, लेकिन यहाँ नेहरू ट्रॉफी वोट रेस प्रतियोगिता भी लोकप्रिय है। हर साल अगस्त में केरल के अलेप्पो में स्नेक वोट रेस का आयोजन होता है, जिस दौरान केरल का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। स्नेक बोट आखिर है क्या? अगर इसकी बात करें तो स्नेक बोट रेस पुनम मदा लेक में आयोजित की जाती है, जिसमें हर साल बहुत सारी वोट हिस्सा लेती है। इस रेस में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों से वोट्स आते हैं, यानी नाव यहां पर आती है। हर गांव का अपना एक वोट होता है। इस वोट में 100 से लेकर 140 कुशल नागरिक सवार होते हैं, नाविक होते हैं, वो भी एक्सपर्ट। इन नाविकों में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों के लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं। सामुदायिक सौहार्द की इससे सुंदर मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती, जहां मजबूत भुजाओं वाले नाविक एक लय में चप्पू से नाव को खेते हैं और इसके पीछे बैठे हुए गायक अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए वोट सॉन्ग गाते हैं। इन्हीं के साथ दो ड्रगर भी होते हैं जो बड़े उत्साह के साथ ड्रम बजाते हैं। हर नाव का एक टीम लीडर भी होता है जो सबसे ज्यादा अनुभवी होता है। यह लगातार सीटी बजाकर नाविकों को निर्देश देता रहता है। लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। स्थानीय लोगों की माने तो यह रेस भारत में आयोजित होने वाले सबसे पुराने वाटर स्पोर्ट्स में से एक माना जाता है। वोट रेस इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो आज से लगभग 400 साल पहले त्रावणकोर के राजाओं ने वोट रेस करवाने के प्रमाण मिलते हैं। सांप जैसी आकृति वाले इस बोट की लंबाई 128 फीट होती है। यहां तक कि प्रतिबिंब राजाओं द्वारा बनवाई जा रही बोट की जासूसी के लिए गुप्त घरों का सहारा भी लिया जाता है। उस दौर से लेकर आज तक केरल के इस बोट रेसों की प्रतियोगिता अपने चरम पर देखने को मिलती है, जिस बोट रेस में अब राहुल गांधी भी हिस्सा लिए और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग राहुल गांधी को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी चर्चा नहीं होती थी, जिस कांग्रेस की कोई चर्चा तक नहीं करती थी, वो उनकी चर्चाएँ अब हर तरफ हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।